तो आज हम डिस्कस करेंगे रोड पेवमेंट्स में। नेक्स्ट जो हमारी पेवमेंट्स रहती है, हमने फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बारे में सारी की सारी चीजें जानी लास्ट लेक्चर्स दो यू थे हमारे, जैसे हम उसकी सरफेसिंग के बारे में जाना, बहुत सारी जो सरफेसिंग के टाइप्स हैं उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या स्टेप्स रहते हैं उनके बारे में जाना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बाद रिजिड पेवमेंट। तो रिजिड पेवमेंट के बारे में जानेंगे, रिजिड पेवमेंट क्या होती है और रिजिड पेवमेंट्स की कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या है, जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स रहते हैं, कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिजिड पेवमेंट्स की, और रिजिड पेवमेंट और फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो कंपैरिजन है वो क्या है। ठीक है जी, तो रिजिड पेवमेंट क्या होती है इससे पहले हमारा जानना जरूरी है। तो रिजिड पेवमेंट क्या है, एक सुपीरियर क्वालिटी की जब हम एक पेवमेंट तैयार करते हैं, ठीक है जी, जब हम यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल क्या लेके चल रहे हैं, सीमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। तो इतनी बार ध्यान रखना, रिजिड पेवमेंट क्या है हमारे, रोड पेवमेंट और सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। तो हमारे सीमेंट कंक्रीट जो रोड्स बनते हैं, ठीक है जी, वो हमारे क्या है, रिजिड पेवमेंट्स हैं। रोड जो हमारे हैं क्या है, सीमेंट कंक्रीट रोड्स जो हैं वो हमारे क्या है, रिजिड पेवमेंट्स हैं। तो हम बोल सकते हैं रिजिड पेवमेंट्स और सीमेंट कंक्रीट रोड्स आर नाउअडेज वेरी पॉपुलर इन द कंट्री। तो कंट्री में बहुत सारी जो इसकी रिजिड पेवमेंट्स हैं, सुपीरियर क्वालिटी, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है अच्छी रहती है फ्लेक्सिबल पेवमेंट के मुकाबले, ठीक है जी, तो इसलिए ये पॉपुलर है। दे आर सुपीरियर टू बिटुमिनस रोड्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स। तो बहुत सारे जो कारण्स हैं, जो कारण रहते हैं, जो कॉजेस हैं, तो उनकी वजह से हमारा जो रिजिड पेवमेंट है वो क्या है, सुपीरियर माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू द बिटुमिनस जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स हैं, ठीक है जी। ड्यू टू एक्सीलेंट राइडिंग सरफेस एंड प्लीजिंग अपीयरेंस, सीमेंट कंक्रीट रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए लार्ज स्केल एंड मेंटेन ए हाई रिकॉग्निशन अमंग द रोड इंजीनियर एंड रोड यूजर्स अलाइक। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो रोड रिजिड पेवमेंट है ये ज्यादातर हमारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, एक लार्ज स्केल पे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इंडिया में भी, ठीक है जी। तो इसकी जो क्वालिटी है अच्छी है, सुपीरियर क्वालिटी का होने की वजह से एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो हम बात करते हैं रिजिड पेवमेंट की, तो क्या है रिजिड पेवमेंट और सीमेंट कंक्रीट रोड्स, रिजिड पेवमेंट्स और सीमेंट कंक्रीट रोड्स आर वेरी पॉपुलर नाउ अडेज वेरी पॉपुलर इन द कंट्री ठीक है जी, इन द कंट्री दे आर सुपीरियर टू बिटुमिनस रोड as many respects ठीक है। तो आजकल जो हमारे लार्ज स्केल पे क्या है, रिजिड पेवमेंट्स ही कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं, ड्यू टू एक्सीलेंट राइडिंग सरफेस appearance they are constructed pleasing appearance cement concrete roads are constructed on a cement
कॉन्क्रीट रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए लार्ज स्केल। ठीक है जी, जब हम जहां पे रेजिन पेमेंट्स को बोलेंगे, जो हमारे जहां जिस पेमेंट्स के लिए हम बिटुमेंस की जगह पे जो बाइंडिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट सीमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो सीमेंट कंक्रीट रोड्स होंगे वो सारे हमारे क्या है, रिजिड पेमेंट्स रहेंगी। तो टाइप्स ऑफ रिजिड पेमेंट्स की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ कंक्रीट रोड जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कौन कौन से कंक्रीट रोड हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके बारे में हम जाना चाहिए। तो सीमेंट कंक्रीट रोड में कौन कौन से जो मिक्सचर होता है, रिच मिक्सचर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट जो बाइंडिंग मटेरियल है, सैंड है एंड कोर्स एग्रीगेट्स है। ठीक है जी, जो एक सिंगल कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जो बाइंडिंग मटेरियल क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट जो रिच मिक्स होता है। ठीक है जी, और सैंड और कोर्स एग्रीगेट्स जो है वो हम इसमें जो हमारा रिजिड पेमेंट है वो कंसिस्ट करता है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है, रिजिड पेमेंट। तो टाइप्स ऑफ, अगर जो कंक्रीट रोड्स हैं हमारे, कौन कौन से हमारे कंक्रीट रोड्स हैं, जैसे हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की बात की थी, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स बहुत सारी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स होती हैं उसके बारे में जाना, तो रिजिड पेमेंट्स के टाइप्स के बारे में भी जानते हैं। जो हमारे कंक्रीट रोड है, सीमेंट कंक्रीट रोड है, वो क्या है, एक तो सीमेंट कंक्रीट रोड ही है। ठीक है जी, अगर हम कंक्रीट रोड की बात करें तो एक प्रीमिक्स हमारा कंक्रीट रोड भी होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो रिजिड पेवमेंट में अगर हम बात करें, टाइप ऑफ कंक्रीट रोड्स, टाइप ऑफ कंक्रीट रोड्स, तो यहां पे हमारे जो कंक्रीट रोड्स के टाइप्स हैं वो दो तरह के रहते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रीमिक्स कंक्रीट रोड की। प्रीमिक्स कंक्रीट रोड्स, जिसको हम बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट रोड। ठीक है जी, क्या रहते हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड। और दूसरे कौन से हैं हमारे, सीमेंट मैकेडम रोड्स हैं हमारे, क्या है, सीमेंट बाउंड मैकेडम रोड्स, सीमेंट बाउंड मैकेडम रोड्स। तो सीमेंट बाउंड मैकेडम रोड्स भी हमारी क्या है, टाइप रहती है कंक्रीट रोड्स में। ओके, तो ये दो तरह के हमारे जो रोड्स हैं, हम जो रिजिड पेमेंट्स हैं हमारे, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा, प्रीमिक्स कंक्रीट रोड। तो सीमेंट कंक्रीट रोड क्या होता है, द कंक्रीट रोड विच आर कंस्ट्रक्टेड बाय इंटरमिक्सिंग वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, सीमेंट सैंड स्टोन मेटल एंड वाटर इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन इन ए कंक्रीट मिक्सचर एंड लेइंग द प्रीमिक्स ऑन ए प्रिपेयर्ड फाउंडेशन आर टर्म्ड एज प्रीमिक्स कंक्रीट रोड्स। दीज रोड्स आर सुपीरियर एंड प्रेफर्ड टू मेनी अदर रोड्स, स्पेशली बिटुमिन रोड्स। तो हमारा जो फर्स्ट प्रीमिक्स कंक्रीट रोड है, क्या रहता है, जो हमारे इसमें, इस रोड में क्या है, जो कंस्ट्रक्शन की जाती है, इंटरमिक्सिंग की जाती है, इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो इंटरमिक्सिंग मटेरियल, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, जो हमारा प्रीमिक्स कंक्रीट रोड रहता है। जैसे हम बात करते हैं सीमेंट की, सैंड की, जैसे जो हमारे स्टोन है, ठीक है जी, तो ये और एक डिजायर प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, वाटर यूज करते हैं, इनका एक प्रीमिक्स जो इंटरमिक्स तैयार किया जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमिक्स कंक्रीट रोड्स। किस डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, प्रीमिक्स कंक्रीट रोड के बारे में, प्रीमिक्स कंक्रीट रोड क्या है। ओके, द कंक्रीट रोड विच आर कंस्ट्रक्टेड बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस
इंग्रेडिएंट्स वेरियस इंग्रेडिएंट्स लाइक सीमेंट सैंड स्टोन सैंड मेटल स्टोन एंड वॉटर एट ए डिजायर्ड प्रपोर्शन एट ए डिजायर्ड प्रपोर्शन एक डिजायर अमाउंट में हम क्या करते हैं वॉटर सैंड सीमेंट और जो एग्रीगेट्स रहते हैं हमारे जो मेटल स्टोन रहते हैं एग्रीगेट्स रहते हैं उनका जो मिक्स एक इंटरमिक्स तैयार किया जाता है ठीक है जी विद द हेल्प ऑफ मिक्सचर ठीक है जी तो उसको हम क्या बोलेंगे उन टाइप्स की जो हमारे रोड्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे प्री मिक्स कंक्रीट रोड्स ठीक है जी तो प्री मिक्स कंक्रीट रोड्स डिजायर प्रोपोर्शन इन ए कंक्रीट मिक्सचर इन ए कॉन्क्रीट मिक्सचर इन ए कॉन्क्रीट मिक्सचर एंड लेइंग द प्रीमिक्स ऑन ए प्रिपेयर्ड फाउंडेशन एंड लेइंग द प्रीमिक्स इन ए ऑन ए prepared foundation is called premix concrete roads ठीक है तो premix concrete roads क्या है वो road जिस में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स लाइक सीमेंट सैंड मेटल स्टोन यानी कि एग्रीगेट्स और जो हमारा वाटर है एक डिजायर प्रोपोर्शन में एक इंटरमिक्स तैयार करते हैं प्रीमिक्स तैयार करते हैं और उसको इन जो हमारे मैकेनिकल मिक्सचर्स हैं उनकी हेल्प से हम मिक्सिंग एक प्रीमिक्स तैयार कर लेते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं लिंक करते हैं ऑन द रोड ठीक है जी तो उसको हम क्या बोलेंगे जो प्रिपेयर किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे प्रीमिक्स कंक्रीट रोड्स जो हमारे क्या है रिजिड पेवमेंट्स रहती हैं ठीक है जी तो बहुत सारे जो सीमेंट बाउंड मैकेडम रोड्स क्या रहते हैं इसके बारे में जानते हैं सीमेंट बाउंड मैकेडम रोड्स तो सीमेंट बाउंड मैकेडम रोड्स में हम बाइंडिंग मटीरियल जब हम सीमेंट यूज कर रहे हैं ठीक है जी तो इसमें भी जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज यहां पे हमने किए हैं जो हमारा क्या है सीमेंट कंक्रीट रोड्स है एक डिजायर प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं सीमेंट कंक्रीट रोड में इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं और एक प्रीमिक्स तैयार कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्सचर ठीक है जी तो जब हम उसको ले डाउन करते हैं अंदर रोड पेवमेंट तो उस रोड जो हमारा कंस्ट्रक्ट करते हैं उस रोड को क्या नाम देते हैं हम प्रीमिक्स कंक्रीट रोड तो सेकंड हमारा जो टाइप है कंक्रीट रोड की वो क्या है सीमेंट बाउंड मैकेडम रोड्स तो सीमेंट बाउंड मैकेडम रोड्स क्या है इसके बारे में जानते हैं तो इस तरह के जो सीमेंट दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय स्प्रेडिंग रोड मेटल ऑन ए प्रिपेयर्ड बेड और फाउंडेशन एंड कंपैक्टिंग देम टू डिजायर्ड थिकनेस ओवर द कंपैक्टेड सरफेस सीमेंट मोर्टार सलरी इज spread uniformly and the surface is finished properly in this chapter to isme kya hai jo cement bound macadam roads hain sabse pehle isko agar hum construct kar rahe hain to uske liye kya kiya jata hai jo ek base prepare kiya jata hai ki foundation bed taiyar kiya hota hai to usme kya karte hain coarse aggregates ko hum kya karte hain spread karte hain aur usko ek proper way se with the help of roller hum kya kar lete hain compact kar lete hain to ek well compaction ke baad हम उसके बाद क्या करते हैं सीमेंट जो हमारी सलरी रहती है जो हमारा सीमेंट मोर्टार रहता है उसको हम क्या करते हैं स्प्रेड करते हैं ले डाउन करते हैं ऑन द रोड जो हमने क्या किया कोर्स एग्रीगेट्स हमने स्प्रेड कर रखे हैं तो उसको अच्छे से हम क्या करते हैं जो सीमेंट सलरी रहेगी हमारी सीमेंट मोर्टार रहेगा उसको स्प्रेड करेंगे यूनिफॉर्मली एंड सरफेस इज फिनिश्ड प्रॉपरली और हम सरफेस को क्या करेंगे फिनिश करेंगे
जो हमारा फिनिशिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जो सेंटर प्रोफाइल रहती है या लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल रहेगी या ग्रेड रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको फिनिश करेंगे और उसको हमारा जो रोड जो बनेगा जो सीमेंट मोर्टार की हेल्प से एक बाइंडिंग मटेरियल की हेल्प से उनको बोलेंगे सीमेंट बाउंड मैकेडम रोड्स। तो दो तरह के हमारे क्या है कॉन्क्रीट रोड्स रहते हैं, हमारा क्या है प्रीमिक्स कॉन्क्रीट रोड्स और दूसरा क्या है सीमेंट बाउंड मैकेडम रोड्स। तो इसके बाद अगर बात करें मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड जो है हमारे उसकी मेथड्स कंस्ट्रक्शन मेथड क्या रहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। मेथड्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड्स, जब हम जानते हैं मेथड के बारे में जो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है क्या स्टेप्स रहेंगे जब हम सीमेंट कंक्रीट स्लैब्स प्रोवाइड करते हैं तो उनके लिए कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या रहेंगे तो वो भी जानते हैं हमारे क्या है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। फोर, इससे पहले हमने फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में जितनी भी तरह की सरफेसिंग करते हैं ठीक है जी तो उसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में देखा हमने प्रिपेयर करते हैं बेस प्रिपेयर करते हैं उसके बाद हमारा स्प्रेडिंग जो होती है कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं जहां हमने सील कोड प्रोवाइड करना है प्राइम कोड टैग कोड जो भी हमारा क्या है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स रहेंगे अलग अलग सरफेसिंग के लिए। तो यहाँ पे हम रिजिड पेमेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो रिजिड पेमेंट में हमारा कंस्ट्रक्शन स्टेप्स किसके लिए होंगे जो रोड हमारा सीमेंट कंक्रीट रोड है ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स फॉर लेइंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लैब्स, लेइंग ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट स्लैब, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड्स के लिए हम क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर रहेगा कैसे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कोई भी अगर हम बात करते हैं अगर सब कंपोनेंट्स जो हैं हमारे रोड चाहे फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करें या रिजिड पेवमेंट की बात करें तो उनके कंपोनेंट्स जो हैं यानी कि हम बेस से लेकर सब ग्रेड से लेकर हमारा जो वेयरिंग कोर्स है वो हम प्रोवाइड करते हैं ठीक है जी। तो वो जो स्टेप्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम हमारे जितने भी कोर्सेस हम या लेयर्स बोल सकते हैं या कोर्स बोल सकते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं जो कंपोनेंट्स में बोलते हैं इनको। तो कंपोनेंट्स जो हम प्रोवाइड करेंगे ऑन द रोड पेवमेंट्स तो वो हमारे क्या रहेंगे उनकी अलग अलग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स रहेंगी ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सब ग्रेड प्रिपेयर करेंगे सबसे जो बेस होता है हमारा क्या रहता है सब ग्रेड बेस रहता है हमारा क्या है प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड। सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे सब ग्रेड प्रिपरेशन ऑफ सब ग्रेड। तो सब ग्रेड प्रिपेयर कर लेंगे तो जो नेचुरल सोयल है उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करना और जो हमारी नेचुरल सोयल को अच्छे से उसकी जो ग्रोथ प्रोफाइल है ग्रेडियंट से जब हमने इम्बैकमेंट्स बनानी है तो इम्बैकमेंट्स देखना जो उनकी स्लोप जो हमारा रोड पेवमेंट में कितना स्लोप जो साइड स्लोप्स रहेंगे उनको चेक करना तो वो सारी की सारी जो कॉम्पैक्शन रहती है एक नेचुरल सोयल पे होती है ठीक है जी। उसको हम क्या बोलेंगे सब ग्रेड। तो ये प्रिपरेशन की जाती है हमारी जो एम्बैकमेंट्स को बनाना जो उसके साइड स्लोप कितने रखने हैं उसका क्रॉस स्लोप क्या है उसका जो क्रॉस प्रोफाइल क्या है लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल क्या है तो ये सारी की सारी चीजों को चेक किया जाता है और कॉम्पैक्ट करते हैं हम एक नेचुरल सोयल को वेल कॉम्पैक्शन के बाद हम एक बेस जब तैयार होता है जब हम बोल सकते हैं सब ग्रेड उसको हम क्या बोलते हैं सब ग्रेड प्रिपरेशन ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है द सबग्रेड इज द नेचुरल सोइल व्हिच इज प्रॉपर्ली कंपैक्टेड बाय रोलर एंड इज ब्रॉट टू रिक्वायर्ड कैम्बर एंड ग्रेडिएंट द क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल शुड बी चेक्ड बाय अ स्टेबल टेम्पलिंग। तो वही बात है ठीक है जी। तो प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड क्या है जब हम एक वेल कॉम्पैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोलर और जो हम चेक करते हैं कैम्बर को ग्रेडियंट को एक जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल और क्रॉस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं एक डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड करना चाहें साइड स्लोप प्रोवाइड करना चाहें तो ये सारे के सारे जो प्रोफाइल रहेंगी वो हम एक डेफिनेट एक नेचुरल सॉइल को कंपैक्शन में कंपैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोलर तो उसको हम उसको क्या बोलेंगे सब ग्रेड प्रिपरेशन ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है प्रिपरेशन ऑफ बेस कोर्स। सब ग्रेड प्रिपरेशन के बाद हम क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं सब बेस कोर्स को प्रिपरेशन ऑफ बेस कोर्स
ठीक है। तो बेस कोर्स को प्रिपेयर किया जाता है आफ्टर द सब ग्रेड प्रिपरेशन। तो सब ग्रेड प्रिपरेशन के बाद क्या होगा, ओवर द प्रिपेयर्ड सब ग्रेड बेस कोर्स और सब बेस कोर्स इज समटाइम्स प्रोवाइडेड इन सर्टेन केसेस वेयर द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सब ग्रेड सोइल इज हाई, बेस और सब बेस लेयर मे बी ओमिटेड। द बेस फॉर द कंक्रीट रोड मे बी WPM सरफेस कॉम्पैक्टेड ग्रेनुलर मटेरियल लेयर और स्टेबलाइज्ड सोइल बेस। द बेस और सब बेस लेयर नॉट ओनली प्रोवाइड्स ए स्मूथ लेवल्ड सरफेस एंड सपोर्टिंग लेयर बट इट आल्सो रिड्यूस द थिकनेस ऑफ कंक्रीट स्लैब। जो हमारी कंक्रीट स्लैब है या हम बात करें वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स हम बनाते हैं तो उनके लिए बेस कोर्स अगर हमारी अगर वहां पे जो सोइल हमने कॉम्पैक्ट की है जो सब ग्रेड प्रिपेयर किया है अगर हमारी सोइल की वहां पे बीरिंग कैपेसिटी है वो हाई है तो हमें एक सब बेस कोर्स जो रहता है बेस कोर्स की जब हम बात करें सब बेस कोर्स की तो यहाँ पे एक सब बेस कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम सब बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो रिजिड पेवमेंट तो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं बेस कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि रिजिड पेवमेंट में क्या होता है जो कॉम्पैक्शन होती है उसके बाद हम डायरेक्टली बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ग्रैनुलर मटेरियल हम यूज करते हैं और उसको अच्छे से क्या करते हैं कॉम्पैक्ट करते हैं और उसकी बेरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और उसको जो हमारे रोड की जो थिकनेस है रोड पेवमेंट की वो भी कम हो जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए हम क्या बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो बेस कोर्स प्रोवाइड करने का मतलब यही है उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है जो उसकी स्ट्रेंथ है रोड की वो बढ़ा सकें। ओके, तो सब बेस कोर्स हम प्रोवाइड भी करते हैं अगर कहीं पे किसी लोकेशन पे जो बेरिंग कैपेसिटी है सोइल की वो कम है, कम होने की वजह से हम सब बेस कोर्स भी ओमिटेड करते हैं और ये हमारा क्या है वहां पे डायरेक्टली हम बेस कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेस कोर्स क्या है, ये एक ग्रैनुलर फॉर्म में जब हम एक मटेरियल को कॉम्पैक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं जो स्टोन हम यूज करते हैं, ठीक है, ग्रैनुलर मटेरियल यूज करते हैं और कॉम्पैक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं बेस कोर्स प्रिपरेशन। उसके बाद क्या है प्लेसिंग ऑफ फॉर्म वर्क, प्लेसिंग ऑफ फॉर्म वर्क, तो फॉर्मवर्क की प्लेसिंग की जाती है हमारे सीमेंट कंक्रीट स्लैब को जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो फॉर्मवर्क में क्या होता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द बेस फॉर्मवर्क इज फॉर कंक्रीट स्लैब पेवमेंट, कंक्रीट स्लैब पेवमेंट इज लेड द फॉर्म कैन बी ऑफ स्टील और टिम्बर द डेप्थ ऑफ द फॉर्मवर्क शुड बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब फॉर्मवर्क शुड बी ग्रेजुअली फिक्स्ड इन पोजीशन मस्ट बी वेल इन एडवांस फ्रॉम द पॉइंट वेयर कंक्रीट मिक्स टू बी प्लेस्ड। तो इसमें फॉर्मवर्क में क्या आता है, जब बेस कोर्स हमने प्रिपेयर कर लिया उसके बाद हम एक रिजिड क्या करते हैं फॉर्मवर्क प्रोवाइड करते हैं और एक डेफिनेट और एक प्रॉपरली प्रोफाइल में या प्रॉपरली डिमेंशन में हम एक क्या करते हैं फॉर्मवर्क अप्लाई करते हैं और जिसपे हम क्या करते हैं जो आगे का जो सीमेंट सलरी है या मोर्टर है उसको अच्छी ढंग से हम अप्लाई कर सके, ठीक है जी। एक फॉर्मवर्क हम क्या करते हैं फिक्स करते हैं इन अ पोजिशन, एक हमारे जो ग्रेडियंस होंगे जब हम कैम्बर देखें तो बहुत सारी जो प्रोफाइल होंगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मवर्क को फिक्स करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मवर्क जो हमने बेस कर लिया तो हम क्या करेंगे वाटरिंग करेंगे, वाटरिंग ऑफ सरफेस, वाटरिंग ऑफ सरफेस। तो सरफेस जो रहेगा उसकी वाटरिंग की जाती है आफ्टर द फॉर्मवर्क, ठीक है जी। आफ्टर लेइंग फॉर्म वर्क द सरफेस ऑफ बेस और सब ग्रेड मस्ट बी विटेड विद वाटर बिफोर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स, ठीक है जी। तो कंक्रीट मिक्स जब हम प्लेस करने वाले हैं स्प्रेड करने वाले हैं लेड करने वाले हैं ऑन द रोड पेवमेंट तो उससे पहले हम क्या करते हैं पूरा जो सरफेस रहेगा जो हमारे जहां पे हमारा रोड लोकेशन रहेगी उसको क्या करते हैं वेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर को स्प्रेड किया जाता है पूरे सरफेस पे ताकि जो हमारा कंक्रीट मिक्स है वो इजीली क्या कर जाए हमारा उसको हम प्लेस कर सके, ठीक है जी, स्प्रेड कर सके। तो उसके बाद हमारा क्या स्टेप रहता है सीमेंट कंक्रीट स्लैब के लिए, मिक्सिंग एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, मिक्सिंग एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। तो हम यहाँ पे सीमेंट सैंड जो हमारे एग्रीगेट्स हैं या हम पूछते हैं मेटल स्टोन्स हैं तो उन जो एक डिजायर प्रोपोर्शन वाटर की रहती है तो वो हमारा क्या है
हम उसको एक प्रॉपर जो मिक्सिंग प्लांट रहते हैं, जो हमारे मिक्सचर हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो एक मिक्स जब तैयार कर लेते हैं तो एक जो डेफिनेट या स्पेसिफिक फाइड हमारी क्या होती है, प्रोपोर्शन रहती है या रेशो रहती है हमारे सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक मिक्स तैयार करते हैं एक मिक्सर में विद हेल्प ऑफ मिक्सर या मिक्सिंग प्लांट पे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कंक्रीट को हमारे रोड पे जो हमने वहां पे जो सरफेसिंग पे वाटर वाटरिंग की है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, और हम प्लेसिंग करते हैं एक डेफिनेट वे में। ठीक है, थिकनेस जो रहती है 52 ATMM, जो कंक्रीट मिक्स हम प्लेस करते हैं 52 ATMM की थिकनेस पे हम इसको प्लेस करते हैं जब हम कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट स्लैब प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो और नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कंपैक्शन एंड फिनिशिंग, कंपैक्शन एंड फिनिशिंग। तो इसमें हमारा क्या है, जो प्लेसिंग कंक्रीट मिक्स जब हमने प्लेस कर दिया उसके बाद कॉम्पैक्शन करना, क्योंकि वॉइड जो रह जाते हैं तो वॉइड को डिक्रीज करने के लिए कॉम्पैक्शन करना बहुत जरूरी है, जो वाइब्रेटर हो, ठीक है जी, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, और कॉम्पैक्शन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कॉम्पैक्शन और फिनिशिंग करते हैं हम आफ्टर द प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। ठीक है जी, तो इसके विद द हेल्प ऑफ हैंड टेम्पर या हैंड स्क्रीड जो वाइब्रेटर हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। तो कॉम्पैक्शन जो वॉइड रेशो रहती है, तो वॉइड रेशो को डिक्रीज करने के लिए, वॉइड्स को डिक्रीज करने के लिए हमें कॉम्पैक्शन करनी बहुत जरूरी रहती है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग करते हैं। तो उसके बाद हमारे क्या, बेल्टिंग या हम एजिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारी क्या है, क्योरिंग होती है, बेल्टिंग ग्रूमिंग प्रोसेस भी हमारा आता है यहाँ पे, बेल्टिंग ग्रूमिंग, ठीक है जी, और क्योरिंग, ठीक है जी। तो क्योरिंग भी करते हैं, जो हमारे रोड है जो हमने फिनिशिंग किया, कंपैक्शन किया है, उसके बाद हम क्योरिंग भी करते हैं कुछ दिन के लिए, तो ताकि हमारे जो रोड पेवमेंट सीमेंट कंक्रीट रोड हमने बनाया है उसमें क्रैक्स ना आ जाए जल्दी क्रैक्स, क्योंकि जब तक हमारी क्या है जो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम है, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारी जो क्योरिंग है तो क्योरिंग का प्रोसेस भी रहता है, तो ताकि हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेंथ जो है वो अच्छे से, स्ट्रेंथ जो है वो अपने टाइम पे क्या है, गेन कर सके हमारा जो सीमेंट कंक्रीट स्लैब है। ठीक है जी, तो क्योरिंग के बाद हम ओपनिंग टू ट्रैफिक, तो हम ट्रैफिक के लिए जो हमारा रोड रहेगा उसको ओपन कर देंगे, ओपनिंग टू ट्रैफिक, जब एक डिजायर्ड टाइम पे ये क्या हो जाएगा, हमारा जो ड्राइव हो जाएगा हमारा सीमेंट कंक्रीट स्लैब, तो हम ओपन कर सकते हैं ट्रैफिक के लिए हमारे रोड को। तो ये स्टेप रहेंगे हमारा, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स रहते हैं ले ऑफ सीमेंट कंक्रीट स्लैब।